जगहों पर अभी भी प्रदूषण वही हालात बने हुए हैं। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है AQI, आनंद विहार में 411, अलीपुर में 432 AQI पहुंचा है, वजीरपुर में 443, आरकेपुरम में 422 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो हरियाणा में कई जगहों पर पॉल्यूशन अभी भी हावी है, हालांकि स्थिति जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग कूड़ा करकट मत जलाइए, पराली मत जलाइए। और कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम बातें साझा करते हुए ये भी कहा था कि पॉल्यूशन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो कुछ सही है। और ये भी सीएम ने बताया कि फतेहाबाद में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए। अब ऐसे में बार बार लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप लोग पराली मत जलाइए, कूड़ा करकट मत जलाइए। और साथ ही अगर जरूरी कार्य हैं तो ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप सबसे पहले खुद को कवर कीजिए, मास्क लगाइए, खुद को कवर करके अगर बाहर निकल रहे हैं तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो ही आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। और इसीलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ही अपील करता है कि आप सबसे पहले तो खुद सावधानी बरतिए, क्योंकि अगर आप खुद सावधानी बरतेंगे तो ही आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। तो अभी भी वो तस्वीरें साझा हम कर रहे हैं जिसमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये सुबह का वक्त है या फिर शाम का है, क्योंकि हालात और जो स्थिति जो है बनी हुई है वो अभी वैसी की वैसी ही है। पॉल्यूशन अभी भी कुछ जगहों पर हावी है। तो दिल्ली में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है AQI, दीपावली के बाद से तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। और बल्लभगढ़ से मेरे सहयोगी रजत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, दिल्ली NCR के साथ साथ प्रदेश में आज भी प्रदूषण का जो लेवल है वो वही की वही स्थिति बनी हुई है, आखिरकार कारण क्या है? हम किसे जिम्मेदार जो है वो ठहरा सकते हैं? क्या एक आम नागरिक जागरूक नहीं हो पाया है या फिर सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई चूक रह गई है? साधना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ किसान को इसमें जिम्मेवार ठहराना गलत रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है तो कहीं ना कहीं कंपनियों में भी इस बढ़ते प्रदूषण का योगदान बन रहा है। और आप फिलहाल भी देख सकते हैं जो सराउंडिंग है उसमें एक मोटी सफ़ेद चादर चारों ओर यहाँ पे नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन इसको रोकने का, प्रदूषण को रोकने के जिस तरीके से तमाम दावे कर रही है कि जगह जगह जो पानी के छिड़काव हैं वह किए जा रहे हैं, या इसके अलावा कहीं भी कोई जो आग है उसको जला रहा है तो उसके चालान किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तमाम दावे हैं ये हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ही एक पेड़ है, इस पर आप देख सकते हैं कितनी धूल अभी यहाँ पे जमी हुई है। सुबह सुबह जो लोग जब शहर के लिए जाते हैं उनके लिए भी जो ये ऑक्सीजन है कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वह भी दिन में लगभग 30 से 40 जो सिगरेट हैं उनको, उनकी बराबर का जो धुआं है इनहेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बढ़ता प्रदूषण है ये एक तरीके से स्लो पॉइजन का लोगों के लिए काम कर रहा है। जहां एक तरफ दमे के मरीज हों या नज़ले के मरीज हों उनके लिए तो यह खास परेशानी का जो मुद्दा है ये बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ी समस्या बन चुका है। जी साधना, बिल्कुल रजत। रजत, बात करें तो हालांकि सीएम मनोहर लाल ने भी कल जिस तरह से प्रदूषण को लेकर बातचीत की, पराली जलाने के जो मामले हैं वो अभी भी फतेहाबाद से नजर आए हैं, और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बताया। अब बात करें 2022 के मुताबिक 2023 में कितने परसेंट जो आंकड़ा है वो सामने आया है, पराली जलाने के मामले कितने सामने आए हैं, कूड़ा करकट जलाने के कितने मामले सामने आए हैं? जी सर, अगर आपको बता दूं कि जो तमाम पराली जलाने के जो मामले हैं वे सोनीपत और रेवाड़ी इधर की तरफ से आए हैं, लेकिन फरीदाबाद में पराली
ना के बराबर जलाई गई है। और बात की जाए अगर ये प्रदूषण की, तो सारे अचंभे की बात है कि हर बार जो भी पराली का जो पॉल्यूशन होता है वह उड़के हमेशा दिल्ली एनसीआर की तरफ आता है, कभी भी चंडीगढ़ हिमाचल की तरफ नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं जो एक पराली का ही जो प्रदूषण है ये कहीं मेन वजह नहीं हो सकती कि पॉल्यूशन जो एक तरफ एकदम इतना जो पीक पे चला जाता है, बदलते जब मौसम बदलता है जिस टाइम पे सर्दियाँ आती है, तो कहीं ना कहीं जो सिर्फ पराली है वह तो कहीं ना कहीं एक मेन मुद्दा नहीं रह सकती इस बढ़ते पॉल्यूशन को लेके। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ पर जो बढ़ता पॉल्यूशन है इसमें जो कंपनियां हैं उनमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान बढ़ते पॉल्यूशन में यहाँ पे दिखाई देता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में कई जगहों पर पॉल्यूशन अभी भी हावी है और इसके चलते एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक